हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीचर शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एग्जांपल्स व्हिच डिपिक्ट वोमेन एज नर्सिस टीचर्स एंड मैन एज डॉक्टर एंड पायलट एज दिस लीड्स टू। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए, ये क्या चिन्हित करता है? यानी जो फीमेल है उन्हें दिखाया जा रहा है नर्स और टीचर्स, और जो मेल है मैन है उन्हें डॉक्टर और पायलट दिखाया जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर सशक्तिकरण, तो ऐसा तो नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप, हाँ जेंडर रूढ़िवादिता, यानी पक्षपात हो रहा है, जेंडर बायसनेस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है। सी भी देख लेते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा कुछ होता नहीं है। जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर समरूपता, ऐसा भी नहीं है कि कॉन्स्टेंट है, सब डिफरेंस किया जा रहा है, स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, रूढ़िवादिता यानी जो पुरानी सोच चलती आ रही है उसी को आगे फॉलो किया जा रहा है कि वोमेन को नर्सेज और टीचर्स दिखाया जा रहा है और मैन को डॉक्टर और पायलट दिखाया जा रहा है, तो ये क्या शो करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर रूढ़िवादिता को, ये जेंडर बायसनेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल सी शेड टू हैव। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर ने बेसिकली 8 तरह की बुद्धि पे बात की है, इसमें से 2 इस ऑप्शन में दी गई हैं, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, ये दिए गए हैं, बी और सी जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इंट्रापर्सनल होता है यानी खुद को समझना, यानी सेल्फ, अपने ही मोटिव्स फीलिंग्स और बिहेवियर को समझना, और इंटरपर्सनल होता है दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों के मोटिव्स दूसरों को समझना। तो ऑप्शन में दूसरों का पूछा गया है अदर्स पीपल, दूसरे पीपल्स के जो मोटिव्स फीलिंग्स और बिहेवियर्स को समझता है उसे क्या कहा जाता है, उसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन क्रिएटिव थिंकिंग अ टीचर फोस्टर। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकता है? बाय कीपिंग कॉन्स्टेंट सर्विलेंस ऑन लर्नर्स, शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर, ऐसा तो नहीं है, बच्चों पे निगाह बना के रखेंगे तो ही वो क्रिएटिविटी आएगी, ऐसा नहीं है। बाय एक्सपेक्टिंग नथिंग लेस देन परफेक्शन फ्रॉम एवरी लर्नर, प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करें, ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में परफेक्शन नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर सी, बाय प्रोवाइडिंग लर्नर्स अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट वेज, ये बात ठीक है, शिक्षार्थियों को समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना चाहिए, यानी उन्हें अलग अलग तरीके देने चाहिए जिनकी उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो सके, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो सके। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देंगे, अलग अलग तरीके देंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही है। ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। बाय सेलेक्टिंग वेरी डिफिकल्ट एक्टिविटीज फॉर लर्नर एंड प्रोवाइडिंग देम रिजिड डायरेक्शन टू फॉलो, कि उन्हें डिफिकल्ट एक्टिविटीज दे देंगे और रिजिड डायरेक्शन दे देंगे, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A teacher who believe that all student in her class are capable of improving their performance by studying more attributes the children's success to their। एक शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? यानी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस में ज्यादा से ज्यादा पढ़कर, तो इसका श्रेय टीचर किसको देगी? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को और आनुवंशिक रचना को। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के एफर्ट्स को कहेगी वो कि बच्चा एफर्ट्स लगा रहा है, बच्चा प्रयत्न कर रहा है, इसलिए वो परफॉर्मेंस में इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ टीचर
शुड हैव हाई एक्सपेक्टेशन, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ओनली फ्रॉम द ब्राइट स्टूडेंट, केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, तो ओनली तो बिल्कुल कभी भी यूज करना ही नहीं है, वैसे भी गलत है ये ऑप्शन कि प्रतिभाशाली बच्चों से ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन तो सभी से रखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड क्लास, जेंडर और वर्क को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, तो ये बात तो ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, रिच हो पुअर हो, सभी बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट दोज हु बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी, कि कुछ ही बच्चों से रखना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों से नहीं रखना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स इन डिफरेंट एरियाज सच एज इन मैथमेटिक्स फ्रॉम बॉयज एंड लैंग्वेज फ्रॉम गर्ल्स, कि लड़के जो है वो मैथ में है और लड़कियां जो है लैंग्वेज में, उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, तो ये बात भी गलत है, ये तो पार्शियलिटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ, बी हमारा यहाँ सही होता है, फ्रॉम ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच फ्रेमवर्क प्रपोजेस दैट लर्निंग इज एक्टिव एंड टेक्स प्लेस इन कल्चरल कंटेक्स्ट, कल्चरल कंटेक्स्ट की जो बात करते हैं, इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो समाज की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की, इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यही दिया हुआ है कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। आगे के ऑप्शन भी पढ़ते हैं, बी बिहेवियरिज्म की बात SR थ्योरी करते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट हो सकता था अगर ऑप्शन में सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं दिया होता, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक संरचनावादी, तो इनकी थ्योरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होता है। ये तीन चीजों पे बात करते हैं, ये सोसाइटी यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, कल्चरल टूल्स और लैंग्वेज, तीन चीजों पे लेव वाइगोत्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, NEP 2020 proposes that encourage to promote should be, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन, रिकॉल, कंठस्थीकरण और प्रत्याशीकरण, यानी रोट मेमोराइजेशन और रिकॉल करानी चाहिए, तो रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल गलत बात है, रट्टा नहीं कराना है, रोट मेमोराइजेशन और क्रिटिकल थिंकिंग दोबारा से गलत, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग ये बात ठीक है कि एक्सपेरिमेंट करके बच्चा सीखे, क्रिटिकल थिंकिंग करे बच्चा यानी अलग अलग तरीके से सोचे, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। डी क्या, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और रिकॉल, तो रिकॉल गलत बात है, नेगेटिव की तरफ जाता है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, स्टूडेंट लर्निंग इज लाइकली टू इम्प्रूव व्हेन, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है, द सेम स्टडी मेटीरियल इज गिवन टू everyone विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंडिविजुअल एंड कल्चरल differences ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए यानी सेम मेटीरियल दी जाए तो उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि सबको सेम मेटीरियल दे दिया तो लर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी, ये बात तो है नहीं। स्टडी मेटीरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स, ये बात ठीक है, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे से सुव्यवस्थित किया जाए, ये बात ठीक है, जो स्टडी मेटीरियल दे रहे हैं उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड किया जाए, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बनाया जाए उसका, तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टडी मेटीरियल इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल अनरिलेटेड बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अनरिलेटेड बिट्स यानी अनरिलेट नहीं करना है, हमें रिलेट करके चलना है नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से रिलेट करके चलना है, तो ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी, स्टडी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशन विदाउट एनी एग्जांपल, कि उसमें डेफिनेशन हो बहुत सारी बिना किसी एग्जांपल के, तो ये बात तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इन एग्जामिनेशन इट मीन्स, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ है, द चाइल्ड डिड नॉट मेमोराइज द आंसर थोरोली, बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया,
तो याद नहीं करना है, बच्चे को समझ के पढ़ना है, ऐसा एनसीएफ कहता है। द पेरेंट्स हैव फेल्ड एंड शुड हैव मेड प्रोविजंस फॉर ट्यूशन फॉर द चाइल्ड। अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बच्चे के ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, तो ये तो गलत बात है, बच्चे को ट्यूशन भी नहीं देना है। द चाइल्ड इज नॉट फिट द स्टडी इन स्कूल, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य ही नहीं है, तो ये भी गलत बात है। हमें बच्चे के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, ऐसा एनसीएफ कहता है। एनसीएफ कहता है जब एक बच्चा फेल होता है तब एक सिस्टम फेल होता है, ना कि बच्चा फेल होता है, पूरा सिस्टम फेल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही है, व्हेन अ चाइल्ड फेल द सिस्टम हैज फेल्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, assertion और reason वाले question इस बार CTET में देखने को मिले हैं। assertion A, children needs to be provided opportunities such as manipulation of objects, experiments, brainstorming and discussion to foster their inherent interest in meaning making। विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियां को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, यानी एक्सपेरिमेंट करना, एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा बच्चा एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ नया इनोवेट करके, प्रयोग एवं परीक्षण करना यानी डिस्कशन करना, कुछ भी डिस्कवर करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। ठीक है, इसका रीजन दिया हुआ है, लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, तो बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।